ऐसे खतरनाक खिलौने जो अब मार्केट में बैन हैं। सबसे पहले राउंड डॉट्स। दोस्तों ये डार्ट काफी हैवी और आगे से इसकी टिप भी काफी नुकीली होती थी, जो के खेलते वक्त बच्चों की आंखों और हाथों में लग जाती, जिसके बाद इसे बैन कर दिया गया। लेकिन अब ये मैग्नेटिक टिप के साथ आती हैं, जो के काफी सेफ हैं। बरौन वाला खिलौना देखने से पहले कमेंट में अपने फर्स्ट क्रश का नाम लिखो। नेक्स्ट, फिंगरलिंग्स। दोस्तों ये वाले टॉयज काफी मजे के थे। इन्हें आप आराम से अपने फिंगर्स पे कुछ इस तरह से लगाकर खेल सकते थे, लेकिन ये टॉयज ज्यादा देर नहीं चल सके क्योंकि ये साइज में काफी छोटे होते थे, जिस वजह से छोटे बच्चों ने इन्हें निगलना शुरू कर दिया। इसलिए पेरेंट्स की कंप्लेंट्स करने पे इसे बैन कर दिया गया। नेक्स्ट, स्नैप बैंड्स। दोस्तों इन स्नैप बैंड्स के साथ आपने भी जरूर खेला होगा, लेकिन आज ये ब्रेसलेट टॉय बहुत सी कंट्रीज में बैन है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत तेज धार और ब्रीक मेटल प्लेट होती थी, जो कि बाजू में बहुत तेजी से लगती थी। अमेरिका में ऐसे काफी केसेस सामने आए, जिसके बाद इसे बैन कर दिया गया। नेक्स्ट, टॉय हैंड कफ। दोस्तों हैंड कफ्स के साथ तो हम में से बहुत लोगों ने खेला है, लेकिन काफी कंट्रीज में ये बैन है क्योंकि छोटे बच्चे खेल खेल में इसे हाथों में लगा के इसकी कीज को कहीं पर घुमा देते या फिर इसे अपने मुंह में निगल के खा लेते, जिस वजह से पेरेंट्स की कंप्लेन करने पे इस खिलौने को भी बैन कर दिया गया। नेक्स्ट, किनेटिक सैंड। दोस्तों ये सैंड बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हुई क्योंकि छोटे बच्चे इसके साथ खेलते खेलते इसे खा लेते, जिससे उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती और जमीन पे इस सैंड के ऊपर चलते तो वो स्लिप होकर नीचे गिरने से चोटें लगा लेते, जिस वजह से इस खिलौने को अमेरिका में बैन कर दिया गया।